रुद्राक्ष की माला और ये पुस्तक प्रदान कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय। धन्यवाद। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी से सादर निवेदन करती हूँ, कृपया अंगवस्त्र पहनाकर माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा बैद्यनाथ मंदिर का प्रारूप मॉडल भी प्रदान कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को। आप सबकी तरफ से जोरदार तालियां अभिनंदन स्वरूप। बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय से निवेदन करती हूँ, कृपया अंगवस्त्र प्रदान कर स्वागत और अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। माननीय नागरिक विमानन मंत्री महोदय अंगवस्त्र के साथ स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। और अब मैं माननीय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी से निवेदन करती हूँ, श्री बाबा बैद्यनाथ मंदिर का महात्म ये पवित्र पुस्तक प्रदान करें माननीय प्रधानमंत्री जी को। आज देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है विधिवत रूप से, और नागर विमानन मंत्री जी ने भी कई कनेक्टिविटी के बारे में यहां से घोषणाएं की। उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि वो कनेक्टिविटी जल्द शुरू होगी, और निश्चित रूप से किसी भी राज्य का विकास में मार्गों का बहुत अहम भूमिका होता है, चाहे वो सड़क मार्ग हो, चाहे वो हवाई मार्ग हो, चाहे वो जल मार्ग हो। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस राज्य में साहिबगंज में भी जल मार्ग जो हम लोगों का बन के तैयार है, जो इनके दृढ़ इच्छा के माध्यम से हो पाया है, इसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद उनको देता हूं। और निश्चित रूप से जो वर्षों से ये राज्य जहां का तहां खड़ा दिखा है, वो अब हिलता और चलता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड वैसे पिछड़ा प्रगाना के लिए विशेष रूप से मेरा ये मानना है, किसी मकान को किसी महल को बनाने के लिए मजदूरों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि वो महल या मकान बनने के बाद उसमें रहने वाले लोग मजदूरों को भूल जाया करते हैं। उसी प्रकार ये झारखंड देश को अग्रणी बनाने के लिए आज से नहीं बरसों से अपना योगदान दे रहा है, अपना छाती फाड़कर लोहा कोयला अनेक खनिज संपदाएं बरसों से देश को उपलब्ध करा रहा है। और आज बारी है और हमें उम्मीद है जिस तरीके से आज इस एयरपोर्ट को हम लोगों ने बनाया है, लगभग 600 एकड़ जमीन इसमें अधिग्रहित हुई है, और भी इसको बड़ा करना है, 300 से भी अधिक परिवार इसमें विस्थापित हुए हैं, उसमें रहने वाले लोग मजदूरों को भूल जाया करते हैं। उसी प्रकार ये झारखंड देश को अग्रणी बनाने के लिए आज से नहीं बरसों से अपना योगदान दे रहा है, अपना छाती फाड़कर लोहा कोयला अनेक खनिज संपदाएं बरसों से देश को उपलब्ध करा रहा है। और आज बारी है और हमें उम्मीद है
जिस तरीके से आज इस एयरपोर्ट को हम लोगों ने बनाया है, लगभग 600 एकड़ जमीन इसमें अधिग्रहित हुई है, और भी इसको बड़ा करना है, 300 से भी अधिक परिवार इसमें विस्थापित हुए हैं। मैं उन विस्थापित कई बातें हैं, कई चीजें रखने की मंच में भी है, लेकिन आज जिनको सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, हम इनका बात इनकी बातें सुनेंगे, इनकी आशीर्वाद लेंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ आज इस देवनगरी में, बाबा वैद्यनाथ जी के देवनगरी में पुनः देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हुए अपनी ओर से आभार प्रकट करता हूं, जोहार करता हूं, धन्यवाद।